हेलो व्यूअर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंजीनियरिंग के कुछ फार्मूलेज के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले हैं, जो कि हमारे पास 24 फार्मूलेज हैं, 26। इस वीडियो में हम 12 फार्मूले डिस्कस करेंगे और जो बाकी फार्मूले हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास IMABS के नाम से जो फार्मूला है कम्प्लेक्स नंबर का, वही है। कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये दो किस्म के नंबर को एक्सेप्ट करता है। नंबर वन, फोर प्लस, फॉर एग्जांपल रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, फोर प्लस वन आई, और ये आई हो कभी स्मॉल लेटर में आई या जे, बस इन दो लेटर को ये एक्सेप्ट करता है और हो भी स्मॉल लेटर में। इसके अलावा अगर आप कोई और इमेजिनरी नंबर लेंगे तो उसको ये एरर शो करेगा। तो आई इज इक्वल टू IMABS, और ये हमें कम्प्लेक्स नंबर का आप यहाँ पर देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, या आप उसको कह सकते हैं कि ये हमें मॉडुलस एक्स नंबर का रिटर्न करता है। फोर प्लस वन आई तो हमारे पास 4.12। इसी तरह हम 3 प्लस 4 जे तो हमारे पास रिजल्ट 5 आ गया। 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है वो है IMCOS का। ये जो है हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोसाइन रिटर्न करता है, ठीक है। आप रिटर्न द कोसाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू IMCOS, नंबर को सिलेक्ट करें, इंटर करें, तो हमारे पास इसका कोसाइन रिटर्न हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह कोसाइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू IM कोसाइन हाइपरबोलिक, आयत नंबर सिलेक्ट करें, इंटर करें, तो ये हमें हाइपरबोलिक नंबर का जो कोसाइन है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक है इज इक्वल टू IMCSCH, आयत नंबर सेलेक्ट करें, इंटर करें, तो ये हमें कोसेकन हाइपरबोलिक का जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास सीकंड है इज इक्वल टू IMCSC, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सेलेक्ट करें, इंटर करें। इसी तरह बाकी फार्मूलेज भी हमारे पास सेम है, बस हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगी। सीकंड इसी तरह सीकंड हाइपरबोलिक IMCSC हाइपरबोलिक कम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू हो जाती है इज इक्वल टू IMSIN हाइपरबोलिक, नंबर को सेलेक्ट करें, एंटर करें, तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगी। इस तरह IMSIN नंबर को सेलेक्ट करें, एंटर करें, उसके बाद इज इक्वल टू IMCOT, कॉट के बाद आखिरी जो हमारे पास है वो 10 है, IM10 नंबर को सेलेक्ट करें, इंटर करें, ठीक है। इस तरह 10 हाइपरबोलिक के लिए IM10 हाइपरबोलिक का फंक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो इस रो को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे उनके कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हमारे पास आ चुका है। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग के ये फंक्शन जो है या कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूले रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे।